एनाकोंडा के बारे में रोचक तथ्य। एनाकोंडा सबसे बड़े और सबसे भारी ज्ञात सांप हैं। वे दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों, झीलों और दलदलों में पाए जा सकते हैं। एनाकोंडा विशेष रूप से अमेजन और ओरिनोको नदियों के पास कई हैं। एनाकोंडा चार प्रकार के होते हैं। हालांकि वे आकार में बड़े होते हैं, इसलिए वैज्ञानिक उसे आसानी से ढूंढ नहीं सकते। एनाकोंडा 30 फीट लंबा हो सकता है और इसका वजन 550 पाउंड 11 बच्चों की तरह तक का हो सकता है। मादा नर से बड़ी होती है। एनाकोंडा अपने पूरे जीवन में लगातार बढ़ता रहता है। वे आमतौर पर गहरे हरे रंग के होते हैं। उनकी पीठ पर काले धब्बों की दो पंक्तियां और किनारे पर सफेद निशान होते हैं। एनाकोंडा जमीन पर और पानी में शिकार करता है, लेकिन यह अपना अधिकांश जीवन पानी में बिताता है, जहां यह अधिक आसानी से चलता है। जब यह पानी में होता है तो नासिका छिद्रों, जो उसके सिर के शीर्ष पर स्थित होते हैं, को छोड़कर पूरा शरीर जलमग्न हो जाता है। एनाकोंडा कुछ हवा लेने के लिए सतह पर आने से पहले 10 मिनट तक पानी के नीचे रह सकता है। वे मछली, कछुआ, काइमन कैपिबार, सुअर, जगुआर, हिरण खाना पसंद करते हैं। जब वे छोटे भोजन का शिकार करते हैं तो वे प्रतिदिन 40 पाउंड तक भोजन खाते हैं। अधिक भोजन करने से सांप कुछ सप्ताह तृप्त रहता है और उस दौरान वह नहीं खाएगा। एनाकोंडा जहरीला सांप नहीं है। यह अपने शिकार को मारने के लिए मजबूत और मांसल शरीर का उपयोग करता है। अन्य कंस्ट्रिक्टर्स की तरह एनाकोंडा अपने शिकार को पकड़ लेगा, अपने शरीर को शिकार के चारों ओर लपेटेगा और इसे तब तक निचोड़ेगा जब तक कि दम घुटने से उसकी मृत्यु ना हो जाए। जब जानवर मर जाता है तो एनाकोंडा पूरे शिकार को एक टुकड़े में निकल जाता है। एनाकोंडा निशाचर जानवर है। इसका अर्थ है कि यह रात में शिकार करता है। एनाकोंडा 6 महीने बाद 20 से 40 युवा एनाकोंडा को जन्म देती है। बच्चे 2 फीट लंबे होते हैं और वे जन्म के समय ही व्यक्तिगत जीवन के लिए सक्षम होते हैं। एनाकोंडा जंगली में 10 से 12 साल और कैद में 30 साल तक जीवित रह सकते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।